हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अभिषेक सिंह, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इंडियन ट्रैवल सिंह। तो दोस्तों, कल रात को ना जब बर्थडे मना के आया था ना, तो एक छोटा सा कांड हो गया। कांड ये हुआ कि जो हमारा कूलर देख रहे हो, इसमें जो ये पंखा लगाया ना भाई, ये पंखा घूम ही नहीं रहा। और कल रात को मैं इसको बैठ के रेंज पाने से खोल रहा था। आज आगे एक बार पंखा पहले दिखा दूँ, पहले मैं दिखा देता हूँ कि पंखे में हुआ क्या है भाई। ऐसी चीज़ मैंने आज तक लाइफ में पहली बार देखी कि कूलर के साथ ऐसा कुछ भी होता है, वरना मुझे तो पता ही नहीं था कि कूलर में भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है। ये देखो, रिंच पाने सब बाइक से निकाल के रख रखे मैंने। तो दोस्तों देखो, ये पंखा है, अब इसको ऐसे करो तो घूम जाना चाहिए ना। दो महीने पहले। और ये देखो, ये एक पंखा था, मैंने इसका खोल लिया है, ये वाला बोल्ट और खोल रहा हूँ, तो ऐसे इसके सारे फैन निकालूंगा, फिर यहाँ से उसको खोलूंगा। अब गाइस, आपको नेक्स्ट नेक्स्ट दो व्लॉग इस चैनल पे मिलेंगे, मिस्त्री वाले, मतलब ये सब ठीक नहीं करने वाले। तो यार, टाइम पास करने के लिए क्यों, टाइम पास, यू हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, पेंडिंग वर्क, तो वो आप करके जाने लगे पड़ेंगे। ओह गॉड, एक तो मैं, पता है, घर पे अब रहता नहीं, तुम भी रहती नहीं हो, तो घर पे कोई रहता नहीं, तो इसलिए। तो इसका ये मतलब नहीं है कि घर पे ऐसे ये जाले बनाकर के लोग दूसरे लोग रहे, इतने दिन आई है तो कुछ करना ना थोड़ा बहुत। चलो सो दोस्तों, ये कूलर सही करने वाली चीज तो मैं सोच रहा हूँ शाम को करूंगा, अभी मुझे और भी बहुत सारे काम है। अभी मुझे नहाना है, नहाने के साथ में मुझे, नहाने से पहले मुझे अपनी बाइक धोनी है, और खुद को तो धोने का सामान लाया हूँ। ये देखो गाइस, इसका शैम्पू खत्म हो गया था, ये अपना शैम्पू लेने गई थी, ये लॉरियल का पता नहीं कौन सा कोई शैम्पू है, ये लेने गई थी ये, और इसको लेने के चक्कर में मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती है यार। मैं कहीं भी जाता हूँ ना, स्टोर देखता हूँ, तो ये देखो मैं सब उठा लाया है। ये मैं अपने लिए फेस वॉश, D10 मास्क, स्क्रब, और ये D10 ये D10 मास्क है, पील ऑफ मास्क है, फेस वॉश है, D10 स्क्रब, ये चारों चीजें मैं ले आया हूँ। मेरे लिए भी थोड़ा सा स्किन केयर मैं फॉलो कर लू, शक्ल देखो मेरी कैसी हो चुकी है। सो गाइस, अब आपको काल हुई है, स्किन केयर करते हुए दिखेंगे में, तो पहला स्टेप हम ये करेंगे। तो चलो दोस्तों, अभी सबसे पहले ना मैं जाके अपनी बाइक वॉश कर लेता हूँ, एंड देखता हूँ कार भी हो पाई तो कार भी वॉश कर लूँगा, लेकिन बाइक तो पहले वॉश करनी है। बाइक वॉश करके नहा धो लेता हूँ, एंड देन नहा धो के मुझे जाना है अभी फ्लैट कुछ काम से, एक दो घंटे का मेरे को काम है, अपना काम निपटा के फिर मैं आऊंगा। उसके बाद लेट्स सी आज क्या होता है। आज के दिन में प्लान था सौम्या को ले जाने का टाउन कॉफी, इसने बहुत सारी स्नैप फोटोज देखी मेरी क्रोसों खाते हुए और वो कॉफी पीते, तो बोले अब मुझे भी लेके चलो, मुझे भी क्रोसों खिलाओ, कॉफी पिलाओ। एक दिन मैंने एक दिन स्टोरी देखी, मुझे लगा इस इंसान को शर्म भी नहीं आती कि अकेले खा रहा हूँ, पर रोज मैं अपनी स्टोरी पे लगाता हूँ भाई, तुम क्यों देखती हो, मैंने थोड़ी ना बोला अनफॉलो कर दो भाई, अनफ्रेंड कर दो, तुम मुझे अनफ्रेंड करोगे मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगा। दैट्स कॉल्ड रिवेंज। हाँ भाई, कह रहा हूँ आज मैंने काफी दिन से ना, मेरा कबर्ड देखो ऐसे पड़ा हुआ है, ये देखो ये बस इतना जो सेट करके गई है, वरना मैं तो ऐसे रख देता हूँ कपड़े, तो अभी आई है तो थोड़ा बहुत तो काम करेगी ना भाई, थोड़ा नहीं बहुत। हाँ तो चलो ये सब करो, देखो घरों में कमरों में देखो जाले देखो। तो दोस्तों अभी मैं धो रहा हूँ मेरी बाइक, उसके बाद नंबर है कार का, कार भी आज ही तो लोगे, यस थोड़ी सी आज ऊपर से धो दूंगा, बाकी अंदर से बाद में सफाई करूंगा। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, सिर्फ तुम ही नहीं हो जो महंगे शैम्पू से नहाती हो भाई, गाड़ियां भी जो महंगे महंगे शैम्पू से नहाती है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, डेडिकेटेड शैम्पू भले खुद ना लगाऊं, लेकिन मेरी गाड़ियां शैम्पू से नहाती है भाई। इनका प्यार गाड़ियों के लिए तो आप सबको पता है, कितनी बढ़िया लग रही है, इतने दिन से गंदी थी, आप देखो धुलने के बाद तो मस्त, इसका कलर वो धूल चिपक जाती है ना, अदरवाइज तो बढ़िया ही लगती है। सिर्फ वो लगा है शैम्पू, अभी मास्क भी लगेगा, मैं मास्क लगेगा, डोंट टेल मी कि इसका भी मास्क आता है, D10 भी लगेगा, फेस स्क्रब होगा इसका। अरे नहीं, अभी इसका मास्क में कहते, इसके मास्क में पॉलिश लगती है, okay. तो वो होगी, वो सब हो गया, फिर उसका गाड़ी धोनी, गाड़ी को भी करता हूँ यार धीरे धीरे फटाफट सारा काम। चलो कर। सो दोस्तों, जस्ट अभी मैं फ्लैट से घर आया हूँ, एंड आज फ्लैट पे एक चैलेंज हुआ था, आइसक्रीम ईटिंग चैलेंज, उसमें तो भाई ने अकेले एक तरफा अकेले अपने बाहुबल से एक तरफा चैलेंज जीत लिया, 5100 रुपए पेट बल से। अच्छा ये बताइए, जो मतलब पूरी टीम थी, हाँ, उनको मिला पूरा कंबाइंडली 5100 या सिर्फ आपको मिला, मतलब टीम का था, लेकिन टीम ने ये डिसाइड करा कि वो मुझे देंगे, क्योंकि मैंने एक तरफा अकेले जीता है ना, इसलिए। ओह माय गॉड भाई, 15 में से 10 के आसपास टोटल मैं खा चुका था, इसलिए। तो आज आइसक्रीम ईटिंग चैलेंज यार ब्रो, कोई भी चैलेंज वीडियो आपसे नहीं कोई, बट वो तो एक बार पता नहीं कैसे चीटिंग करके मैं जीत गई। हाँ, वरना तो मुझसे कोई खाने पीने में नहीं जीत पाता, लेकिन आज कल पता क्या, जब मैं घर पहुंचा तो इसने भी आइसक्रीम मंगा रखी थी नेचुरल से, मैं कहा भाई नहीं, और क्यों, क्योंकि जस्ट मैंने 10:55 पे ऑर्डर किया, क्योंकि वो 5 मिनट में बंद हो जाता है, तो मैंने कहा मंगा लूं। चलो कोई नहीं, उसको फ्रीजर में रख दिया, कल खा लेंगे हम लोग। और आज बने हमारे घर पे गर्मा गर्म छोले भटूरे गाइस,
देख लो छोले भटूरे बने, अभी मैं खाना खाता हूँ, तुम खा चुकी हो? हाँ। इंतजार करते करते ये खा चुकी, लेट हो गया। मैं बस मैसेज तो ये तो बोला, तो तुमने उसके बाद बोला कि साथ खाएंगे, लेकिन उसके बाद तुमने खा लिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, खा लिया ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो गाइस मैं भी खाना खाता हूँ, उसके बाद देखते हैं फिर बाकी इस व्लॉग को आगे कल कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग दोस्तों, कल रात को खाए थे छोले कुलचे एंड दिन में अब हम लोग खाए, अच्छा सॉरी, रात को खाए थे छोले भटूरे एंड दिन में हम लोग खा रहे छोले कुलचे। अभी लेकर आया हूँ मैं, सबकी इच्छा थी घर पे खाना भी नहीं बना, मम्मी ने बोला बाहर से मंगा लेना, मैं कहा बाहर से मंगाएंगे उससे बढ़िया है कि छोले कुलचे लेकर आते हैं, सस्ता भी पड़ता है एंड अच्छा भी लगता है। बाहर से ऑर्डर करो, जब तक आएगा उतनी देर में तो जाके मैं छोले कुलचे ले ही आया, बढ़िया गर्मा गर्म छोले कुलचे साथ में रायता, वाह वाह वाह। और ये नहा धो के जैसा कि आप देख सकते हो एकदम रेडी है, बाल बाल धो के मैं नहीं नहाया हूँ अभी तक, मैं ये खा पी के आज मैं जा रहा हूँ अपना स्किन केयर करूँगा भाई, जो मैं सारे सामान लेकर आया हूँ ना तो अप्लाई कर करके देखूँ मैं कि काम करता है कि नहीं करता है, अगर मेरे चेहरे पर फर्क दिखा तब तो मैं स्किन केयर फॉलो करूंगा, नहीं दिखा तो नहीं करूंगा। एक दिन में इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए गाइस मुझे, इंस्टेंट नहीं आएगा, उसके लिए आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। इंस्टेंट कर सकता हूं मैं, कंसिस्टेंट मतलब दिख जाएगा, एक बार में भी दिख जाएगा। चलो पहले खाते हैं उसके बाद देखते हैं। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है रात के 8 बज रही है, वैसे तो प्लान था हमारा बाहर जाने का, मैंने बोला भी था कल इस वीडियो में ही किया ना, हम लोग सोच रहे हैं कल बाहर जाएंगे घूमने फिरने, लेकिन यार हुआ ये कि कल रात को मैंने आइसक्रीम खाई थी ना, तो आइसक्रीम चैलेंज में क्या हुआ कि बहुत ज्यादा आइसक्रीम खा ली मैंने जोश जोश में, तो उस समय तो कुछ नहीं फील हुआ, 3-4-6 घंटे बाद 12-1 बजे रात को एकदम से ना मेरे जो ये होते हैं जॉ होता है जो मसूड़े होते हैं जिसको बोलते हैं, इधर से इधर एंड ऊपर इधर, तो इसके बीच में ना ऐसी सेंसेशन हो रही थी इतनी गंदी, ऐसे दर्द सा नहीं होता, अजीब सा लगता है ना, वो सेंसिटिविटी होती है कि दांत वांत में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप ठंडा पानी पियो या कुछ भी खाओ तो अजीब सा लगने लग जाता है, तो वो चीज़ हो रही थी मेरे साथ रात को एंड उसकी वजह से ऐसे टप टप ऐसे टपका पड़ता है ना वैसे हो रहा था भाई पूरे मसूड़ों में, और उसकी वजह से फिर रात भर नींद नहीं आई है। सुबह 4 बजे तक मैं इसको लेकर जगता रह गया, कभी गर्म पानी से कुल्ला कर रहा हूँ, कभी इलायची वो लॉन्ग मुंह में रख रखी है, कभी 2 बार ब्रश कर लिया ताकि ऐसे दांत दबा के सोया हूँ, लेकिन नींद ही नहीं आ रही। सुबह 4-4:30 बजे तक मैं जगता ही रह गया, सुबह 4-4:30 बजे जाकर थोड़ा सा सही हुआ तो मैंने देखा अब सो जाता हूँ, फिर है ना भाई जैसे तैसे करके मैं सोया सुबह 4:30 बजे, फिर सुबह उठा, अब लेट सोया था तो लेट उठा 12-1 बजे तक उठ के, फिर उसके बाद गया छोले कुलचे और वो सब लेकर आया, फिर वो सब खाए पिए एंड रात को नींद कंप्लीट नहीं हुई थी तो वापस से मैं दिन में सो गया। और सौम्या तो अपना कुछ काम वाम कर रही थी घर का ही और अपनी भी चीजें वो सेट कर रही थी सारी चीजें, तो वो दिन भर से तो वही कर रही थी एंड अभी मैं थोड़ी देर पहले 6:30 बजे शाम को तब उठा हूं मैं, अब मैं कहा यार अब कौन जाएगा बाहर, आज रहने दो हिम्मत नहीं हो रही, कल चलेंगे कल देखते हैं, तो इसीलिए दोस्तों बाहर नहीं जा पाए उसके लिए सॉरी, लेकिन हाँ नेक्स्ट व्लॉग पक्का घर का व्लॉग नहीं होगा, बाहर जाएंगे हम लोग। मुझे पता है बहुत गिल्ट सा फील हो रहा था, अभी मैंने सौम्या को यही बोला कि ना अभी मैंने व्लॉग देखा 5-6 मिनट का व्लॉग मैंने जो बना चुका हूँ अभी तक, तो उसमें देखा मैंने कहा यार घर घर में ही पूरा व्लॉग रिकॉर्ड हो गया, बाहर गए ही नहीं अपन कहीं पे, तो बोली देख लो अगर चलना चाहो तो अभी चल लो, मैं कहा यार अब 7-8 बज रही अब कहाँ जाएंगे रात को, और रात को अब जाके बाहर फटाफट आ जाएंगे, अंधेरा वैसे ही है और बाहर कहीं भी जाओगे क्राउडेड मिलेगा इस टाइम रात को, रेस्टोरेंट्स एंड कैफेज कहीं भी जाओगे सब खाने पीने आते हैं, तो सही से रिकॉर्ड भी हो पाएगा, इससे बढ़िया अच्छे से कल या परसों जब भी होगा 1-2 दिन में अच्छे से रेडी होके बढ़िया तरीके से सही से चलेंगे बाहर। बाकी सौम्या गई है ऊपर खाना बनाने, तो अपन भी चलते हैं ऊपर एंड देखते हैं कि क्या हो रहा है, थोड़ी बहुत मम्मी से भी बातें करके आते हैं, लेट्स गो। तो दोस्तों यहाँ पे बन रहा है खाना, क्या बना रही हो? पनीर। तुम तो कह रहे थे दाल चावल बनेगा? नहीं मम्मी ने कहा पनीर बनते दाल चावल से, ये पनीर बनाती है अलग स्टाइल से बनाती है जैसे रेस्टोरेंट में बनता है, देखो टमाटर की प्योरी व्योरी डाल के। मम्मी यहाँ पे टीवी देख रही है, मम्मी सीरियल देख रही है, पता नहीं कौन कौन से देखती हैं। अच्छा एक चीज़ बताओ, लोग मुझसे मम्मी काफ़ी पूछ रहे थे, तो सब लोग एक क्वेश्चन मुझसे ज़रूर पूछते हैं कि भैया आपके घर में शादी पड़ी है तो उसकी तैयारी कब होगी? तैयारी हो रही है। तैयारी कहाँ हो रही है अभी? जेवर गहना का जो सब दे दिए। जेवर गहना बन गया? दे दिए, पेमेंट कर दिए बस। भाई साहब मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, तुम बाहर रहते बिजी रहते इसलिए। अच्छा तुम्हारे लायक है उसको करना है। मेरे लायक क्या, गाड़ी चलाना है और क्या है, ड्राइवरी करने के अलावा मेरे लायक और क्या काम छोड़ा है आप लोगों ने? है कपड़े उपड़े लाना है। हाँ वही मतलब वो जो क्या बोलते हैं हेल्पर की जो जरूरत होती है ना, एक हेल्पर जो काम करता है वो वाला काम है मेरे लायक। कपड़े की बात रही तो कपड़े मेरे कपड़े बताओ जो मुझे कपड़े दिलाओगे आप लोग दिलाओगे कि नहीं दिलाओगे ये बताओ, या मैं खुद ही खरीदने मुझे? तो कपड़े से तो काम एक कपड़े से नहीं, मेरा तो बता दिया मैंने आपको बजट है मेरा तो 30-40 हज़ार रुपए का कपड़ों का शादी में। अभी मेरे पिताजी को अगर बोल दो ना 30-40 हज़ार का बजट है मेरे कपड़ों का शादी का, तो कहेंगे काम करना उसकी शादी छोड़ तो कपड़े खरीद के खुद ही कर ले शादी। भाई मैं तुम्हें बताऊं मम्मी भैया को क्या कह रही, जिनकी शादी है उनके पास एक सूट पड़ा हुआ है, वो सूट उन्होंने 2 बार पहना होगा मुश्किल से, कि यही सूट है ना हमारे यहाँ क्या होता है जब शादी होती है ना, शादी के बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में खिचड़ी बैठती है,
तो खिचड़ी में क्या होता है, दूल्हे और उसके चार पांच भाई भाई जो भी होते हैं वो लोग बैठते हैं, खिचड़ी खाते हैं, उसके बदले में पैसा मिलता है, दूल्हे को सोने की चेन, अंगूठी, ये सब चीजें जो भी होती है वो सब मिलती है। तो उसमें मम्मी उनको क्या कह रही है भैया को, क्या वही सूट पहन लेना है ना, कह रही नया सूट सूट पड़े हैं ये को एक ही बार तो पहना। अच्छा, सही बात है, तिलक का शादी का सब बनवा लो ये। हाँ, बाकी वो उसमें वो ही पहन लेना। और मुझे कह रहे तुम्हारे पास है ना इतने सारे कुर्ते पजामे और इतने सारे इंडो वेस्टर्न, अभी जो मैं एंगेजमेंट में जैसे जो पहना था ना कपड़े, वही कह रही की उसी को पहन लेना तिलक में, उसको एक सूट पड़ा है उसको उसमें पहन लेना एंगेजमेंट में, एक शादी का कपड़ा ले लो। बताओ, यानी घर की शादी पहली, भैया की शादी और पहली शादी, और उसमें भी मैं कपड़े वही पहनूं जो मैंने पहन रखे हैं। अरे एक सूट तो तुम्हारा पड़ा है। ये भाई साहब, नहीं 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 नहीं, मैं नहीं पहनूंगा। एक सूट मेरे पास पड़ा हुआ है जिसकी मैंने आज तक फिटिंग नहीं कराई, आज तक उसको पहना भी नहीं, नया का नया सूट पड़ा हुआ है 2 साल से। नहीं नहीं नहीं, वो मम्मी आ रहे हैं, वो सस्ता सूट है वो नहीं पहनूंगा मैं। सस्ता क्या है? और कलर अच्छा लग रहा है। मैं 4-5 हजार, 5-6 हजार रुपए सूट पहन के जाऊंगा कि उसकी शादी में पहनने वाला बहुत महंगा लग रहा है। आप कुछ भी पहनोगे अच्छा लगेगा। अच्छा, तुम अपने भाई की शादी में क्यों पहनी थी इतना महंगा महंगा, पहन लेती जो था। हाँ, तुम तो ज्ञान मत दो, जाओ जाओ खाना बनाओ। मैं तो जो पैसे फूके भैया, अब रेगुलेट होता है, एक बार पहन के वो रखा, पता नहीं नेक्स्ट टाइम वही है कि दूसरी शादी में पहनना नहीं है, फिर वो पैसे बर्बाद। हाँ तो रहने दो, तुम मत लेना ना, मुझे दिला देना, तुम्हारे हिस्से का जो बजट होगा ना मुझे दिला देना, ठीक है? नहीं नहीं मम्मी, ऐसे थोड़ी ना, तो वो थोड़ी पहनूंगा मैं। अरे वो देखो, मेरा बता दो, सिंपल सा आपको बता दो, मैं तिलक में पहनने वाला हूँ कॉस्ट्यूम, उसकी कीमत है लगभग 12,000 रुपए, ठीक है, तिलक वाले एक आउटफिट की। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है मेहंदी और उसका क्या बोलते हैं हल्दी का, तो मेहंदी और हल्दी वाला क्या है, हल्दी वाला, अरे हल्दी वाला पैजामा कुर्ता ने पीली, वो पीला वाला कुर्ता पैजामा जो मैं उसमें पहना था, अभी भागवत में वही पहनू मैं हल्दी में भी। अरे मम्मी, एक ही बार पहन के वैसे आपका बस चले तो आप तो 1-2 लाख रुपए में पूरी शादी कंप्लीट करवा दोगी, है ना? 1-2 लाख में नहीं नहीं, ऐसे नहीं, मैं हल्दी का मेरा अलग है भैया, हल्दी का जो हल्दी और हल्दी मेहंदी वाला सस्ता है, हल्दी मेहंदी का 5-5 हजार का है, 10 हजार वो हो गए, 12 हजार रुपए उसके हो गए, 22 हजार ये होगा, उसके बाद बढ़ेगा शादी, शादी वाला जो मेरा आउटफिट है वो अकेले मेरा शादी वाला आउटफिट 25 हजार या 22 हजार समथिंग का वो आउटफिट है, तो ये देख लो आप, ठीक है, 40 हजार के आसपास है, तो आप 50% स्पॉन्सर कर देना मुझे। दूल्हे वाला कपड़ा का तो ही बजट बना, और दूल्हे का मैं तो 20 हजार रुपए तो दोगे मुझे कपड़े के लिए कि नहीं दोगे? 40 हजार का बजट लेके चलते हैं, 50% आप दे दो, इतना तो यार मम्मी, यार इतना छोटा भाई हूँ दूल्हे का यार, वरना मैं सीधा फोन करूंगा उनको जिससे शादी होने वाली भाभी को कि भैया 50% बजट दो मुझे, कैसे भी मेरे कपड़े आएंगे ना वहां से मेरे हिस्से के, वो कपड़े वपड़े मत दो मुझे, 10 हजार रुपए दे दो उनसे, कह देता हूँ मैं तो 10 हजार वो दे देंगे, 20 हजार ये देने, 30 हो गए, 10 तो तुम कर ही दोगी मुझे, 10 नहीं दे सकती मुझे, चलो 10 ये दे दी इसका। भैया के तिलक वाला मेरा कपड़ा, हाँ एक स्पॉन्सर कर रहा था ना, तो मेरा भी एक स्पॉन्सर, हाँ तो ठीक है, चलो एक स्पॉन्सर हो गया, बाकी 20 आप दे दो, 30 ये हो गए, 10 मैं उनसे मांग लूंगा, 40 मेरा शॉर्ट है। मांगो तो बहुत कटोरा लेके बहुत मिल जाएगा, तो भिखारी नहीं करूंगा मैं आपको, फिर कटोरा लेके भाभी के यहां से, भाभी के यहां से चले गए भाई, तो वहां से मेरे कपड़े आएंगे, तो वो गिफ्ट होता है उसमें आप ऐसे नहीं, तो मुझे एक चीज बताओ, जो इंसान को जो चीज उसको वो दे दो ना, तो बाद में यूज होगा, शादी के पहले आपको नहीं देंगे, वो शादी के दिन आपको मिलेगा। अरे यार ये गलत सीन है। और गाइज आप लोगों में से जो मुझे शादी के कपड़ों के लिए स्पॉन्सर करना चाहे बता देना गाइज, स्कैनर लगा दूंगा मैं, स्पॉन्सर कर देना भाई मुझे, बहुत महंगा खर्चा होने वाला है मेरा शादी का, तो भाई आप देखते हैं कितना बजट जाता है, 40-50 तो मैं सोच रहा हूँ, मेरे को तो लग रहा है मेरा उससे ऊपर भी जाने वाला है, क्योंकि मैं चाहता हूँ यार इस बार मैं शादी ब्याह जाऊँ ना, मैं एकदम धूम धड़ाके से करना चाहता हूँ, एकदम भयंकर सारी ख्वाहिशें मैं अपने भाई की शादी में पूरी करना चाहता हूँ, क्योंकि अपनी शादी में ख्वाहिशें पूरी नहीं हो पाती, भाई की शादी में कर लो जो इतनी ख्वाहिशें पूरी कर सकते हो। दुनिया अपनी शादी में करता है, तुम भाई की शादी में करो। अरे अपनी शादी में मैं इतनी प्राइवेट करूंगा कि 100 लोग रहेंगे उनको पता है, बाकी किसी को पता ही नहीं चलेगी शादी हो गई। इतनी बार कर रहे हो, देखो 100 लोग रहते हैं कि 100 भी नहीं रहते हैं, 100 भी नहीं रहेंगे तो और अच्छी बात है भाई मेरे, मैं कह रहा हूँ 100 लोग भी नहीं तो और अच्छी बात है मेरे लिए, तो जितने कम लोग रहे उतनी बढ़िया, प्राइवेट एकदम, किसी को पता ही नहीं चले। हे माते धन्य हो आप, आपसे कोई नहीं जीत सकता, आपसे कोई नहीं जीत सकता, रहने दो, मेरा बस 20 हजार रुपए आप क्लियर कर देना, बैंक ऑफ वर्ल्ड बैंक जो आएंगे अभी वर्ल्ड बैंक से मेरा 20 हजार क्लियर, वर्ल्ड बैंक भाई 20 हजार रुपए क्लियर करना पड़ेगा वर्ल्ड बैंक को मेरा। सो गाइस इट्स डिनर टाइम, पनीर की सब्जी, नमकीन, प्याज एंड रोटी, इनके द्वारा बनाई गई सब्जी, बट ऑब्वियस है अच्छी होगी, मुझे पता है कि वो खाना अच्छा ही होगा, स्पाइसी है, हल्की मेरे मुंह तभी से पानी आ रहा है, चलो खाना खाते हैं एंड यहाँ पे लग चुका है तारक मेहरा। सो गाइस लेट्स एंजॉय आवर डिनर, और इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, वीडियो अच्छा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते जाना, हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप बिलीविंग इन योरसेल्फ, खाना खाने बाय।